क्या सच्चा सौदा, सिरसा के प्रेमियों ने हॉस्पिटल को किया सैनिटाइजेशन। जी हाँ, खबर पंजाब के मोगा जिले से है, जहाँ सच्चा सौदा सिरसा के प्रेमियों ने मोगा जिले के गांव डरोली भाई के सिविल अस्पताल को सैनिटाइज किया। इस समय कांग्रेस पार्टी के नेता इकबाल सिंह और सरवन सिंह नंबरदार ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस समय डेरा सच्चा सौदा के कमेटी मेंबर चरण सिंह ने बताया कि हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है कि हम मरते दम तक मानवता भलाई के कार्य करते रहेंगे। यह पूज्य गुरुजी का आशीर्वाद है कि हम कोरोना काल में भी अपनी जान हथेली पर रखकर मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। देखिए मोगा से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। स्वागत है जी थोड़ा फास्ट न्यूज इंडिया दे विच। आज असी तुहानू लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं मोगा के पिंड डरोली भाई। कोरोना महामारी तो बचाने वास्ते अपने अपने उपराले किए जा रहे हैं। उस कड़ी के तहत अज मोगा जिले के पिंड डरोली भाई विखे डेरा सच्चा सौदा की जो फोर्स है, शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, वो जवान जोड़े है वह इस कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर जोड़ा है वो सैनिटाइज कर जा रहे हैं। प्यारे सतगुरु जी, तेरे प्यार मोहब्बत दे नाल ये धरती महक जावे, तेरे नाम दा डंका सारी दुनिया विच वजे जी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। और डरोली भाई दे सिविल अस्पताल दे विच असीं मौजूद हैं और इत्थे अज डेरा सच्चा सौदा दे जो फोर्स हैगी है उहदे वल्लों हॉस्पिटल नूं सैनिटाइज किया जा रहा है। और इस सैनिटाइजेशन की शुरुआत इसे ही पिंड दे सीनियर कांग्रेसी आगू इकबाल सिंह संघा जी अपने कर कमलों के नाल और उन्होंने सहयोगी नंबरदार साहब जिहड़े हैगे हरी झंडी दे के सैनिटाइज टीम नूं जिहड़ा हैगा वो शुरुआत करन दी रस्मी जिहड़ी हैगी आ वो अदायगी कर रहे हैगे है। साडे नाल मौजूद है गया सीनियर कांग्रेसी आगू इकबाल सिंह संघा जी, स्वागत है जी तुहाडा फास्ट न्यूज इंडिया दे विच। सर अज तुहाडे पिंड दा जो सिविल अस्पताल है वह सैनिटाइज किया जा रहा है। हाँ जी, मैं सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहना इन्होंने सेवादारा जिहड़े साडे पिंड आ के साडे सिविल अस्पताल नूं सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये साडा सारयां दा ही फर्ज बनता हैगा भी इहो जिहे भयानक बीमारी के दौर दे विच असी अपने आप नूं भी बचा के रखिए ते बाकी आपदे संगियां साथियों का जां आपां लोकां नूं भी बचाईए। इस कड़ी दौरान जिहड़े सेवादार साडे पिंड आए आ मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां भी इन्हां ने आके साडे सिविल अस्पताल नूं सैनिटाइज कर रही टीम जिहड़ी हैगी है सैनिटाइज कर रही है। कुछ संस्थावां धार्मिक संस्थावां होर भी है, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਫ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਰੀਫ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲੱਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
अपने आप नूं खुद नूं संभालो, फिर परिवार संभालो, फिर अगे जा के सारिआं नूं सही सुनेहा दिओ वी भाई इस चीज़ तों बच के मास्क पहनो, डोज लगवाओ। कई लोग हजे डोज लगवाउण तों वी डर रहे आ वी ना लगाओ, नहीं डोज वी लगवाओ। साडे आप दे मेरे आप दे इक लगी आ, दूजी हजे लगनी है। ठीक है जी। हाँ जी। तो जेडे लोगों के कोई भरम हैगा भी डोज लवा के पता नहीं की हो जाऊगा, तुसी उन्हें डोज करवा रखी है, तुसी एक ज्यौंदी जागदी मिसाल हो, मिसाल और लोगों नूं तुसी की संदेश दोगे भी जेड़ा हैगा डोज तो डरना नहीं चाहिए, लगवानी चाहिए। मैं हाँ जी मैं यही सुनेहा दिना भी डोज लगवानी चाहिए है, मैं खुद लगवाई है। मैं चलो ठीक है, लोग वैसे कहते बुखार हों पर सानू तो बुखार भी नहीं होगा, असं इवें तुम्हें कही है तो असी तो दूजी डोज लगवा तैयार है, पर हम इतने अपना मुक्की भी है जिदे आ गई दूजी डोज लगवा लेनी। ठीक है जी। तो डेरा सच्चा सौदा सेवादार ने अज सैनीटाइज किया है होस्पिटल नू, बाकी जेडे लोग घर बैठे है उन्होंने भी तुसी एक संदेश दो भी वह भी अपने आप दे विच जिस तरह अपने इकबाल सिंह जी ने दस्या है भी जे आप तंदुरुस्त हैं तो अपना महला तंदुरुस्त है, अपना देश तंदुरुस्त है, घर बैठे जेडे लोग है वह भी स्वस्थ रहन। मैं उ थोड़ा पहला गल कह भी जे आप पहला खुद तंदुरुस्त है, ठीक जे आप पहला अपने आप को खुद तंदुरुस्त करिए फिर अपना परिवार करिए फिर गली महल च बढ़िए, जे आप ही नहीं तंदुरुस्त आप गली महल कभी तंदुरुस्त कर देंगे। ठीक है जी। इस करके मैं सुनेहा दिना पहला खुद आपका करो, फिर परिवार का करो, फिर गली महल का भी करो, फिर गांव पिंड का भी नाल करो। बाकी संस्था को भी कहने भी जिम्मे इन उपराला कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, बाकी संस्था भी ये उपराले कर, वध तो वध उपराले कर ताकि जी महामारी तो बचा जा सके। ठीक है जी। थैंक यू। तो नंबरदार साहब वालों भी और कांग्रसी आगू इकबाल सिंह संघा जी वालों भी बेनती की गई है, संस्थावां भी अगे आउन, क्लब भी अगे आउन, यूथ अगे आवे, कोई डरन दी लोड़ नहीं है, कोई घबराउन दी लोड़ नहीं है। स्वर्ण सिंह जी साडे कोल खड़े, इन्हां दे डोज भी लगी है और कोई इन्हां ने दस्या भी बुखार भी नहीं होया, और सानू अपने आप नूं बचाउण वास्ते, अपने परिवार नूं बचाउण वास्ते और अपने देश नूं बचाउण वास्ते सानू हौसला करना पैना है, और सानू सफाई दे विच जिहड़ी हैगी है वह खुदाई जिहड़ी हैगी है वह करनी पैनी है। तो साढ़े नाल कुछ डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार है वह मौजूद आ जिहड़े अज इस होस्पिटल नूं सैनिटाइज करन आए आ, उन्होंने विचार जानते हैं। स्वागत है जी तुहाडा, की नाम है जी तुहाडा? मैं चरण सिंह जी, ब्लाक कमेटी मैंबर मोगा। सानू समय समय से हजूर पिता जी वालों संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी वालों गाइडनेंस की जाती है, तो हुण जो करोना महामारी चलती है इस संबंधी भी हजूर पिता जी वालों समय समय से सानू सरकार का सहयोग दे के जिस तरह की भी कोई सेवा बनती है साडा समाज दे विच योगदान बनता तो असी अपना योगदान पा के पहला असी जिस तरह हजूर पिता जी ने तीसरा पंजवा पत्र भेजा सी तो उहदे विच जो फ्रंट लाइन ते कम करदे आ करोना दे विच उहनां नूं सलूट करन दा सी, उहनां नूं फ्रूट वगैरह असी पिछले समय विच दित्ते आ। तां हुण सानू इस हस्पताल दे कुछ मुलाजमां SMO साहब ने बेनती की सी तां असीं उहनां दी बेनती ते चलदे होए अज इस हस्पताल नूं सैनिटाइजर करन लई पहुंचे आ, तां कि जे भी कोई करोना वायरस किते भी कोई लग्गिया होवे, क्योंकि होस्पिटल दे विच बहुत सारे मरीज आउंदे आ ते पोस्टम मरीज़ भी आउंदे आ, तां इस जगह तो करोना फैलण दे कई चांस बन सकदे आ, तां असीं इस मुद्दे नूं मुख रखदे होए अज इस होस्पिटल नूं सैनिटाइजर कर रहे हैं। सारे होस्पिटल नूं सैनिटाइजर किया जाऊगा, इस तों इलावा घल कलां डिस्पेंसरी जां होर भी नेड़े तेड़े दीआं जो डिस्पेंसरियां उन्हां नूं भी असीं सैनिटाइजर। परमजीत सिंह जी, परमजीत सिंह जी अज की कर रहे हो तुसीं इत्थे? अज असीं पिंड डरोली भाई विखे जो सारे संसार दे विच करोना महामारी फैली हुई है तां पूजनीक गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान दी प्रेरणा दे नाल मानवता नूं बचाउण दे लई मानवता दी सेवा दे हित विच अज जो सैनिटाइज डरोली भाई दे हस्पताल नूं कीता जा रहा शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग ब्लाक मोगा दी टीम वल्लों इस सारे हस्पताल नूं सैनिटाइज किया गया तां कि जो इत्थे आउण वाले लोग है वह इस भयानक बीमारी तो बच सकन और उन्हां दी जान दी सुरक्षा हो सके। पिंड डकरू है जी। पौने जो सेवा का मौका मिलता सानू जिमें साढ़े मन का भलाई दे 135 कार चल रहे आ, हुण दो होर नवें चलाते हजूर पिता जी ने भी एक तो जो
सड़कों के उत्ते खड़े आ पुलिस मुलाजम वो करोना वाले की हिफाजत कर रहे हैं ज डॉक्टर साहबान कर रहे हैं उन्होंने एक असी फ्रूट वगैरह वंड रहे हैं जिमें होस्पिटलों के सैनीटाइजर कर रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल फ्री है जी ये सारा जो आ अपना डेरा कर रहा जी। ठीक है जी, धन सतगुरु तेरा।